अपने वक्त की सबसे कैपेबल फुल साइज़ एसयूवी में से एक, अपने वक्त की लग्जरी गाड़ियों में गिने जाने वाली गाड़ियाँ, और अगर पीछे की तरफ देखोगे तो एक पूरे दौर में ज़माना आता है गाड़ियों का, ये पूरा इसका दौर आया था, पूरा ज़माना आया था, वो सारी गाड़ियाँ अगर आपको ऐसे कबाड़ में दिख रही हैं, मतलब ये सब अनफिट हो गई हैं। अब ये सब अनफिट नहीं हो गई हैं, सिर्फ गाड़ियाँ अनफिट नहीं हो गई, अगर आप पीछे देखोगे तो ये बड़ी बड़ी जो आपको ट्रक्स दिख रही हैं, जो बड़ी बड़ी बसें दिख रही हैं, ये भी आपकी अनफिट हो गई हैं। अगर आप इधर की तरफ देखने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारे कमर्शियल व्हीकल दिखेंगे जो कि अनफिट हो गए। अब कहानी क्या है? कहानी ये कि भारत की सड़कों पर 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे ही अनफिट व्हीकल्स चल रहे हैं। अब इन अनफिट व्हीकल से होने वाला पोल्यूशन हमारी नई गाड़ियों के सामने बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब 4 से लेकर 5 गुना तक। अब इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 6 व्हीलर हो, 10 व्हीलर हो, ट्रक हो, बस हो, क्रेन हो, कोई भी गाड़ी हो जिसमें इंजन है, एग्जॉस्ट आ रहा है और वो कहीं ना कहीं अनफिट हो गई है रोड पर चलने के लिए, तो सिंपल सा सोल्यूशन है, उसको स्क्रैप कर दो। बट भारत में स्क्रैप सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए टाटा मोटर्स लेके आए हैं उनकी रीवायर फैसिलिटी। रीवायर का मतलब है रीसाइकल विद रिस्पेक्ट, मतलब इनको रीसाइकल तो करना है बट तरीके से करना है, मतलब रिस्पेक्ट के साथ में करना है, इसलिए रीसाइकल विद रिस्पेक्ट। तो टाटा मोटर्स को जो रीवायर फैसिलिटी है, ये बेसिकली फ्रेंचाइज बेस्ड आउटलेट्स हैं जो कि टाटा मोटर्स अभी हर एक स्टेट में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर खोल रही है। ये इनका 5th आउटलेट है जो कि दिल्ली NCR रीजन में पलवल एरिया में है और हम आज इसके इनॉग्रेशन इवेंट में हिस्सा बन रहे हैं। अब आपको अगर बात करें इन सब गाड़ियों को कैसे स्क्रैप करा जाता है, क्या सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं और क्यों स्क्रैप करना है, तो ये वीडियो आपके लिए। मेरा नाम रमन नायक, आप देख रहे हो बैंड द व्हील्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जयपुर, भुवनेश्वर, सूरत और चंडीगढ़ के बाद में टाटा मोटर्स की 5वीं रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी है जो कि दिल्ली के पास में है और NCR रीजन को मेजरली टारगेट किया गया है। और ये फैसिलिटी इनॉग्रेट की गई है मिस्टर गिरीश वाघ जी के द्वारा, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है टाटा मोटर्स के। अगर इस फैसिलिटी की एनुअल कैपेसिटी की बात करें तो 18,000 से ज़्यादा एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को ये प्रोसेस कर सकते हैं और ये डेवलप की गई है जौहर मोटर्स के साथ पार्टनरशिप में। उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो किसी भी ब्रांड के पैसेंजर है कमर्शियल व्हीकल्स को अपने फैसिलिटी में स्क्रैप करेंगे। आओ तो समझते हैं टाटा मोटर्स का ये सिग्निफिकेंट स्टेप जो कि कमिटमेंट है एडवांस सस्टेनेबल मोबिलिटी की तरफ। हाँ जी भैया, तो किसी भी ओवरहेड क्रेन्स के पास जाने से पहले हेलमेट लगा लेते हैं ताकि सुरक्षा पहली दृष्टि से ज़रूरी है। अब आपको आगे की तरफ बताते हैं कि इस पूरी फैसिलिटी में क्या सारी चीज़ें हैं और क्या है। हेलमेट थोड़ा अच्छे से स्ट्रैप के साथ लगाया जाएगा। टिक टिक टिंग भाई, देखो ये सारा सिस्टम जो है ना वो IT इनेबल्ड है, मतलब पूरी की पूरी तरीके से जो है वो हाईटेक सिस्टम है। अब हाईटेक सिस्टम होने का मतलब ये है कि आपको अगर आपकी गाड़ी डीरजिस्ट्रेशन करानी है या रिसाइकिल करानी है या स्क्रैप करानी है तो उसके लिए आपको www.rewire.tatamotors.com पे जाना है और वहाँ जाने के बाद सबसे पहला जो स्टेप आएगा वो आएगा कि प्राइस चेक। एक बार जब प्राइस एग्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद में जो है वो बाकी के प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। अब बाकी के प्रोसेस में आपका सबसे पहले व्हीकल का एवोल्यूशन किया जाता है कि ये डिसमेंटल होने के लिए या रिसाइकल होने के लिए रेडी है कि नहीं है, गाड़ी का पूरा टेन्योर क्या है क्या नहीं है। इसके बाद में गाड़ी का डीरजिस्ट्रेशन किया जाता है। डीरजिस्ट्रेशन होने के बाद में एक बार जब गाड़ी का डीरजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद में आप पेमेंट करो और गाड़ी पिक हो जाती है। पिक होने के बाद में गाड़ी डीपोल्यूट या डिसमेंटल होने के लिए यहाँ आती है और ये है उसका स्टेज नंबर 1, मतलब ये जो गाड़ी आ गई है। अब ये गाड़ी का पहले तो एवोल्यूशन हो गया, उसके बाद में ये आपका डीपोल्यूटिंग स्टेज है। डीपोल्यूटिंग स्टेज पे गाड़ी में जितनी भी तरह के फ्लूइड्स होते हैं उनको निकाला जाता है। एक भी ड्रॉप जो है वो ज़मीन में अंदर नहीं जानी चाहिए, जो उसका प्रॉपर चैनल है, वो सिस्टम है, वो चैनल से निकाला जाता है। जैसे आपका ब्रेक ऑयल हो गया, इंजन ऑयल हो गया, क्लच ऑयल हो गया, सारी चीज़ों को एक के बाद एक निकाला जाता है। इसके बाद में गाड़ी को आगे की तरफ भेजा जाता है। अच्छा, पूरी गाड़ी स्क्रैप नहीं होती, अगर गाड़ी में कुछ यूजेबल पार्ट है, फॉर एग्जांपल अगर ये फेंडर है और ये काम का है तो इस फेंडर को निकाल के मार्केट में रीसेल किया जाता है। क्यों रीसेल किया जाता है? क्योंकि ये अल्टीमेटली ज़्यादा बर्डन क्रिएट ना करे, ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट ना करे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे और इसको हम फिर से काम में ले सकें। अगर बात करें इस टायर की, अगर ये काम का है तो फिर इसको ऐसे किया जाता है। अब इसी के साथ में जो है वो अगली स्टेज पे गाड़ी को बेचा जाता है जहाँ पे गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें और निकाली जाती हैं। और जब गाड़ी डीपोल्यूट हो जाती है तो आती है यहाँ इस स्टेज पे। इस स्टेज पे गाड़ी के सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके अलग किया जाता है। अब बेसिकली 3-4 स्टेज में हमें गाड़ी से सारा सामान निकालना है, जो सामान निकालना है उसको ठीक से अलग रखना भी ताकि हम उसको भी अलग से रिसाइकल कर सकें। अब जैसे ये वाला जो पहला पार्ट है, यहाँ पे मेजरली टायर्स को निकाल दिया जाएगा, जो बाहर वाले कंपोनेंट्स जैसे कि वो सारे निकाल, जैसे गेट है तो वो सारी चीज़ें निकाल जाएगी, टेल लाइट्स निकाल देंगे, हेडलैम्प्स निकाल देंगे, बम्पर आपका निकल जाएगा, ये सारी चीज़ें पहली स्टेज में निकल जाती हैं। अब एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की अगर स्टेज नंबर 2 पे आओगे स्क्रैपिंग फैसिलिटी में तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको और चीज़ें निकलेंगी, जैसे कि अंदर की सीट्स निकल गए, फैब्रिक्स निकल गए, डोर सब पूरे निकल चुके हैं,
तरह से चीज़ें निकाली जाएंगी और लगभग लगभग अंदर से एक पूरा शैल बचता है। अब इसके बाद में आप स्टेज थ्री पे आप आओगे तो आप यहाँ देखोगे कि ड्राइव ट्रेन उतारा जाता है, मतलब इस वाली जो गाड़ी है उसका गेयरबॉक्स उतारा जाएगा, उसका इंजन उतारा जाएगा और बची हुई जितनी सारी चीज़ें हैं लगभग ड्राइव ट्रेन से जुड़ी हुई वो सारी अंडर बॉडी निकाली जाएंगी। और साथ में यहाँ पर क्या किया जाता है कि उन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, जैसे कि विंडशील्ड हो गई और डैशबोर्ड हो गया, जो कि लास्ट में बचती है। तो अगर आप इस स्टेज को देखोगे जो हमारी स्टेज फोर है, वहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली शीशा निकाला जाएगा, फिर यहाँ पे डैशबोर्ड निकाला जाएगा या फिर जो कुछ बचा है वो सारी चीज़ों को निकाला जाएगा। और अगर बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे तो जी क्या बचा, बचा सिर्फ शैल, और ये जो शैल है उसको लास्ट में बैलर में डाला जाएगा। अब बैलर में डालने के बाद में ये वाला जो बैलर है वो एक कई टन का उस पर हाइड्रोलिक प्रेशर डालेगा और हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ में ये इसकी बैली बन जाएगी और उस बैली को हम कर देंगे अल्टीमेटली लास्ट में स्क्रैप। तो दैट्स ऑल। चलो अब आपको और चीज़ दिखाते हैं कि हैवी कमर्शियल व्हीकल्स को कैसे किया जाता है स्क्रैप। हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, मल्टीपल स्टेशन में नहीं लेके जाया जाता बल्कि मोजरली एक या दो स्टेशन पे काम हो जाता है। सबसे पहले जब गाड़ी आप लेके आओगे तो वो मेन प्रोसेस तो वही है कि वेबसाइट पे रजिस्टर करोगे, फिर वो गाड़ी वैल्यूएट होगी, प्राइस डिसाइड होगा, फिर गाड़ी का डी रजिस्ट्रेशन होगा, गाड़ी को पिकअप किया जाएगा और गाड़ी को यहाँ लेके आया जाएगा। उसके बाद में पहली चीज़ जो करी जाएगी वही करी जाएगी कि गाड़ी को डी पोल्यूट किया जाएगा, और डी पोल्यूट करा जाता है इस मशीन से अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स, ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, क्लच ऑयल और बाकी जितने तरह के ऑयल इसके अंदर जाते हैं ना, उन सबको इस पर्टिकुलर चैम्बर से सेग्रीगेट करा जाता है। ये मशीन जो है उसको सक कर लेती है और पीछे की तरफ रिसाइकिलिंग भी चले जाता है। मतलब गाड़ी से हमने तेल तो सारे निकाल लिए, मतलब गाड़ी का पूरा तेल निकाल दिया, पर गाड़ी को कब निकालोगे भाई स्क्रैप करके? तो उसके लिए आती है स्टेज नंबर टू पे। अब वहाँ पे कोई भी कमर्शियल व्हीकल हो तो उसकी, अगर जैसे मान लो कोई लकड़ बॉडी वाला कमर्शियल व्हीकल है तो उसकी लकड़ बॉडी उतारेंगे, फिर उसका केबिन उतारेंगे, फिर वन बाई वन बाई वन उसके कंपोनेंट्स उतारते हैं। तो गाड़ियों में मेजरली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। लकड़ बॉडी होगी, सबसे पहले उसको अलग किया जाएगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी अलग ही हो जाएगी। उसके बाद में बचने के लिए केबिन बचता है गाड़ी का, अगर आपका कंपनी केबिन है, लकड़ी केबिन है तो अलग ही कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपका बचता है कंपनी केबिन और आपकी बचती चैसी, यानी कि पूरे का पूरा ड्राइव ट्रेन। तो पहले टायर्स को अलग किया जाएगा, फिर इंजन को इस क्रेन की मदद से उठाया जाएगा जिससे कि आपका इंजन जो है वो ऊपर आ जाएगा, केबिन को अलग किया जाएगा, डैशबोर्ड निकाला जाएगा और इस तरह से आप देख लो एक्सल्स हो गया और हर एक चीज़ को अलग अलग जो है वो निकाल के रख दिया जाएगा। और इन सब को निकालने के बाद में यहाँ पे अलग अलग बेस है, छः बेस तक एक्सटेंड कर सकते हैं बेस की, भविष्य में कितना सारा काम आ रहा है, कितने सारे लोग आ रहे हैं और कितनी सारी चीज़ें। तो ऐसे करके कमर्शियल व्हीकल्स को वन बाई वन इनको डिसमेंटल किया जाता है और इसमें से स्क्रैपेज होती है। ऑब्वियसली इसका भी जो बाद में बचा हुआ मेटल बचेगा उसको क्या करेंगे, ये कंप्रेस करेंगे बैलर में और बैली बनाएंगे और कर देंगे रिसाइकल। बट एक चीज़ मैं आपको और इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ कि इन सब गाड़ियों की रिसाइकिलिंग के बाद में ये जो मटेरियल बचता है उसको कैसे रिसाइकल किया जाता है, क्योंकि उसके बिना तो काम अधूरा है। मतलब गाड़ी तो आपकी पूरी स्क्रैप हो गई, आपको सर्टिफिकेट ऑफ डीरजिस्ट्रेशन मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई और सरकारी छूट भी मिल गई, जैसे कि भाई रोड टैक्स पे या नई रजिस्ट्रेशन फीस पे जो भी आपका लीगली उस टाइम पे एप्लीकेबल चीज़ें होंगी। बट इसका करेंगे क्या, ये जो माल निकला है? आओ दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो आपको काफ़ी सारा ग्लास रखा दिख जाएगा, ये सारी विंडशील्ड हैं या फिर शीशे हैं, विंडोज़ हैं, तो क्योंकि वो इसलिए रखा गया है क्योंकि भाई ये अलग तरीके से रिसाइकल होगा। देन आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सारा अलॉय रखा गया है, स्टील रखा गया है, उसको अलग तरीके से किया जाएगा। यहाँ आप देखोगे तो स्टील बेल्स हैं, वो सारी स्टील बेल्स आई हैं। क्यों स्टील बेल्स आई हुई? क्योंकि ये हमारी गाड़ी का पूरा शैल है, इसको अलग तरह से रिसाइकल किया जाएगा। इसी तरह से अलग अलग चैम्बर्स बनाए गए हैं। इन अलग अलग चैम्बर से क्या होता है कि हर मटेरियल का, जैसे रबर है तो रबर का अलग रिसाइकलिंग प्रोसेस है, स्टील का अलग है, कास्ट आयरन का अलग है, रॉ आयरन का अलग है, हर एक तरह से जो है ना वो उसका अलग अलग होता है। जैसे अब ये प्लास्टिक का पार्ट है तो इनको उसी जगह भेजा जाएगा जहाँ इनकी एक्चुअल में ज़रूरत है और फिर इनको कर दिया जाएगा रिसाइकल। मतलब ये देखो कितना सिस्टमेटिक प्रोसेस है। और बेस्ट पार्ट क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट जो फैसिलिटी है ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड भी है, तो वो भी हमें एक कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। साथ में यहाँ पे देखो ये सारे के सारे टायर्स को सेग्रीगेट किया गया है और ये सारी चैसी को इन्होंने अलग किया गया, ये चैसी फ्रेम है, पीछे स्टील है और जितनी सारी चीज़ें होती हैं उनको अलग 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 तरीके से रखा गया है। मतलब देखो भाई कितने तरीके से अच्छे से ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये कुछ था टाटा मोटर्स के रजिस्टर्ड वायर स्क्रैपेज फैसिलिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट रजिस्टर्ड वायर स्क्रैपेज फैसिलिटी रीवायर के बारे में। ओवरऑल ये जो गाड़ियाँ हैं जो 15 साल से पुरानी हो गई हैं, 10 साल से पुरानी हो गई हैं, या सिर्फ सरल भाषा में बताएं तो अनफिट टू रन ऑन रोड्स हो गई हैं, ज़्यादा पोल्यूट कर रही है, उनको स्क्रैप करने का वक्त आ गया ताकि इन्वायरमेंटल बर्डन कम हो। और ये मॉडल बहुत बढ़िया क्योंकि एक तो फ्रेंचाइज बेस्ड है और पूरा भाई इनकी फ्रेंच कंसल्टिंग फर्म को करके ये वाला पूरा मॉडल क्रिएट किया है। आईटी इनेबल्ड है, काफ़ी हाईटेक है और पूरे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो भी करता है। मतलब अगर कोई भी गाड़ी है तो उसको प्रॉपर रजिस्टर्ड तरीके से स्क्रैप कराने का ये बेस्ट मेथड है। अब आप बताओ आपको कैसा लगता है टाटा मोटर्स का ये रजिस्टर्ड वायर स्क्रैपेज फैसिलिटी। मेरी तरफ से फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब ऐसी कोई और चीज़ है जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिए और मैं इस रीवायर फैसिलिटी के स्क्रैप कराने वाला जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देता हूँ ताकि आपको मदद मिले कि आपको भी अगर आपकी एंड ऑफ कोई लाइफ व्हीकल है तो उसके सारे स्क्रैप करा के बेनिफिट्स आप ले सको। मेरा नाम था रमन नायक, अभी के लिए बिहाइंड द व्हील्स में इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में।